YouTube चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले अपने अक्षर की खाचर कोई फिल्म गुणनखंड के रूप में दिया गया हो तो उनका औक्लेश ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम लघु गुण की विधि का प्रयोग करेंगे, जिससे फलन स्पष्ट रूप से आ जाए और उसका अपन औकलन आराम से कर ले। चक्की घाचर या कोई फलन गुणनखंड के गुणनफल के रूप में दिया गया हो तो लघु गुण की विधि का यूज करेंगे। दोनों तरफ लोग लेंगे तो फलन एक साधारण फलन बन जाएगा और उसका अपन एक्सेस आप औकलेश करेंगे तो फलन औकलन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ही पढ़ा देखो, कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स एक्सेस आप औकलेश ज्ञात करो। तो देखो इसका हल इस प्रकार है। तो सबसे पहले माना कि y बराबर है cos x cos 2x और cos 3x, दोनों तरफ लघुगणक लेने दोनों तरफ लंबू में लेने पर यह आ जाएगा log y, यह आ जाएगा log cos x cos 2x cos 3x। यह है इसकी जगह log का सूत्र है अपने पास, log m इंटू एन और log p बराबर आ जाएगा log m प्लस log n प्लस log आ जाएगा। ये इस सूत्र का अपन यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये log y log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, अब ये सिंपल फलन हो गया। अब अपन इसका x आप इसको प्लस कर सकते हैं। सबसे पहले वापस समझो, y बराबर cos x cos 2x cos 3x, ये फलन गुणनखंड के गुणनफल के रूप में दिया गया है तो दोनों तरफ क्या लिया हमने, लॉग लॉग वाई लॉग कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स। तो लॉग एम इंटू एन इंटू पी का फॉर्मूला है अपने पास, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। लॉग वाई बराबर लॉग कॉस एक्स लॉग कॉस टू एक्स लॉग कॉस थ्री एक्स है। अब इसका अपन अवकलन करेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो आप। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्सेस आपके सॉफ्टवेयर होने जा रहा है, तो लॉग वाई का औकलन वन अपॉन वाई एक्स इसे समझा, लॉग वाई का वन अपॉन वाई एक्स इसे समझा, वाई को इसका गुणा में औकलन हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स का लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स यानी कॉस एक्स एक्स से समझा कॉस एक्स को इसका गुणा में औकलन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस टू एक्स अपॉन कॉस एक्स का अपन हो जाएगा साइन, वन अपॉन एक्स का हो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स गुणा में इसका अपना आ जाएगा कॉस थ्री एक्स। तो देखो आप इधर कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स का हो जाएगा अपने पास साइन टू एक्स, कॉस टू एक्स यहाँ पे माइनस थ्री कॉस थ्री एक्स अपॉन कॉस साइन का हो जाएगा कॉस का हो जाएगा साइन थ्री एक्स यहाँ माइनस टू आ जाएगा, लॉग एक्स का वन अपॉन लॉग एक्स एक्स से अंदर कॉस को गुणा में करोगे माइनस साइन एक्स, लॉग कॉस टू एक्स का कॉस टू एक्स एक्स से अंदर कॉस टू एक्स को प्लस गुणा में ऑपरेट हो जाएगा। तो ये इसको आप ध्यान दीजिए, देखो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स एक्स से अंदर टू एक्स को कॉस थ्री एक्स का ऑपरेट हो जाएगा माइनस साइन थ्री एक्स एक्स से अंदर तीन को, तो ये तीन का यहाँ आ गया। अब देखो आप इसमें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये डी वाई डी एक्स डी एक्स और ये वाई का वज्रमूल हो जाएगा और माइनस भी आ जाएगा बाहर, और अपने पास ही आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस थ्री साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स प्लस
थ्री साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस थ्री एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई, वाई की जगह पर वापस मान रख देते हैं कॉस एक्स कॉस टू एक्स और कॉस थ्री एक्स साइन एक्स पर कॉस एक्स यह जगह टेन एक्स साइन एक्स अपॉन टेन कॉस एक्स टेन टू एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन थ्री एक्स ये कैंसिल आ गया। देखो वापस इस पर्सन को रिवाइज करते हैं कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। माना कि वही बार कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स दोनों तरफ लॉग लिया है लॉग वाई लॉग कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स लॉग गुणा में दिया गया तो योग के रूप में लिखा जाता है योग के रूप में दिया तो गुणा के रूप में लिखा जाता है लॉग एम एन पी लॉग एम लॉग एन लॉग पी लॉग वाई लॉग कॉस एक्स लॉग कॉस टू एक्स लॉग कॉस थ्री एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग वाई का वन पॉइंट वाई एक्स किससे समझा वाई को उसका ड्यूरिटी एक्स लॉग कॉस एक्स वन पॉइंट कॉस एक्स एक्स किससे समझा कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स लॉग कॉस टू एक्स वन पॉइंट कॉस टू एक्स एक्स किससे समझा कॉस टू एक्स एक्स के साथ अवकलन कॉस थ्री एक्स का लॉग कॉस थ्री एक्स का कोस थ्री एक्स एक्स से समझा कोस थ्री एक्स गुणा का अवकलन कोस का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स कोस टू एक्स का अवकलन माइनस साइन टू एक्स एक्स से समझा टू कोस टू गुणा कोस थ्री एक्स का माइनस साइन थ्री एक्स एक्स से समझा तीन कोस ये हो गया माइनस ले लिया बाहर और ये वाई का मैंने डायरेक्ट वजन गुणा कर दिया साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस टू साइन टू एक्स अपॉन कोस टू एक्स थ्री साइन थ्री एक्स अपॉन कोस थ्री एक्स वाई की जगह रख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट से कोस एक्स कोस टू एक्स कोस थ्री एक्स साइन अपॉन कोस टेन साइन टू एक्स अपॉन कोस टू एक्स टेन टू एक्स साइन थ्री एक्स अपॉन कोस थ्री एक्स टेन थ्री एक्स ये इसका आंसर आ गया है। प्रश्न नंबर दो पांच पॉइंट दो का वर्गमूल एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव आपको समझाया हुआ है चर की घात चर यदि कोई फलन चर की घात चर हो तो लघुगण लिया जाता है यदि कोई फलन गुणनखंड के गुणनफल के रूप में दिया गया तभी लघुगण लिया जाता है। यह फलन गुणनखंड के गुणनखंड रूप में अंश बटा आर के रूप में दिया गया है और प्लस वर्गमूल दिया गया है तो इसमें लघुगण विधि का यूज करेंगे अपन। तो देखो इसका हल इस प्रकार है माना कि वाई बराबर है वर्गमूल एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव ये है अपने पास। इसमें दोनों तरफ लॉग लेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग लेने लघु गणक लेने पर लघु गणक लेने पर लघु गणक लेंगे लिया जाएगा लॉग वाई दोनों तरफ लॉग लेने पर लघु गुणक लेने पर लॉग वाई यह आ जाएगा लॉग वर्गमूल एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव तो इसको अपन इसकी घात अंडर रूट अंडर रूट बाहर आ जाएगा लॉग बाई एक बटा दो यह आ जाएगा लॉग इस प्रकार एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव यह आ जाएगा अपने पास। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा लॉग एम अपॉन एन का लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला पहले लगेगा इसमें लॉग एम अपॉन एन इसको समझ लेंगे एम और इसको समझ लेंगे अपन एन ये लॉग वाई बराबर एक बटा दो ये आ गया लॉग एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव यह है अपने पास। अब इसमें लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला लगा अपन एम लॉग एम माइनस लॉग एन तो लॉग एम माइनस लॉग एन अब इसमें गुणनफल का सूत्र लगेगा लॉग एम इंटू एन इंटू पी है तो लॉग गुणनफल में लॉग योग में आएगा लॉग एम प्लस लॉग
एन प्लस लॉग पी लॉग गुणनफल में योग के रूप आएगा। अब देखो आप लॉग वाई बराबर एक बटा दो लिया गया लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव, ये हुआ अपने पास, ये अपने पास डी डब्ल्यू आर पी एक्स। अब अपने इसका एक्स के साथ क्या करेंगे, ओकलेस करेंगे, लॉग वाई का ओकलेस वन अपॉन वाई एक्स की सेक्शन था वाई को डी वाई डी एक्स ये एक बटा दो लॉग एक्स का ओकलेस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स इसको समझा प्लस इसका हो गया एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस फोर माइनस एक्स माइनस फाइव लॉग एक्स का अपलन वन अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस टू का वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस है माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर लॉग एक्स माइनस फाइव लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है तो ये वन अपॉन एक्स हो गया सब देगा। अपने को चाहिए डी वाई डी एक्स तो वाई से इससे गुणा हो जाएगा ये एक बटा दो वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस फोर माइनस एक्स माइनस फाइव वाई का अपन मान वापस मान रख देते हैं डी वाई डी एक्स वाई का मान है अपने पास एक बटा दो यहाँ रख लो ये आ गया वर्गमूल एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव यह है अपने पास और इसके गुणा में रख दो आप ये पूरा मान वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव ये इसका आंसर है। इसका डीवाई डी एक्स अपने पास एक बटा दो वर्गमूल एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर एक्स फाइव मल्टीप्लीकेशन में वन अपॉन एक्स माइनस वन वन अपॉन एक्स माइनस टू वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री वन अपॉन माइनस एक्स माइनस फोर वन अपॉन माइनस एक्स माइनस फाइव यानी वन अपॉन एक्स माइनस वन वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव और ये योग का योग। वापस हम डिवाइस करते हैं, माना कि फलन दे दिया अपने को वर्गमूल एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स से सबसे सॉफ्टेस करना है। यदि कोई फलन गुणनखंड के गुणनफल के रूप में दिया है तो दोनों तरफ क्या लेंगे अपन लॉग लेंगे तो एक्स से सबसे सॉफ्टेस करेंगे तो माना कि वाई बराबर वर्गमूल एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव का वर्गमूल दोनों तरफ क्या लिया है अपने लघुगणक तो लॉग वाई लॉग वर्गमूल एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव लॉग एम घात एन लॉग एम घात एन का लूप करेंगे इसकी लॉग एम की घात आधी है एन अंडर रूट आ गया बार लॉग एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन लॉग एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव का गुणनफल तो लॉग एम अपॉन एन का मान होता है लॉग एम माइनस एन तो लॉग बाई एक बटा दो लॉग एम लॉग एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ये लॉग एम हो गया लॉग एन लॉग एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। अब लॉग इसमें भी एक फॉर्मूला और लगेगा लॉग एम इंटू एन इंटू पी लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी जब लघुगणक में गुणनफल में दिया तो योग के रूप में लिख सकते हैं योग के रूप में दिया तो गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं लॉग बाई वन बटन टू लॉग एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स एस आप प्लस लॉग वाई का होगा वन अपॉन वाई वाई का हो गया डी वाई डी एक्स एक बटा दो लॉग एक्स माइनस वन का वन अपॉन एक्स माइनस एक्स से समझो इसको वन लॉग एक्स माइनस टू का वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस है तो माइनस एक्स माइनस थ्री का एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर का एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव का वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। इसमें देखो वाई का मैंने कर दिया बजर गुणा वाई बटा दो ये यूं का यूं वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव तो वाई का मान इक्वेशन एक से ये इक्वेशन एक ये पड़ा यू का यू वाई का मान है चाहो तो आप इसे इक्वेशन एक दे दो
और इसको इक्वेशन दो दिन उपयोग करना ही पड़ेगा। इक्वेशन एक से वाई का मान यहाँ रखा पड़ने वर्गमूल एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, ये इसका आंसर आ गया है।